अब वक्त है दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का। क्या बिहार में जाति गठजोड़ कर हिंदू वोट को तोड़ने की साजिश हो रही है? क्या बिहार को जाति के चंगुल में फंसाकर वोट बैंक हासिल करने के लिए आंकड़े जारी किए गए? दरअसल सवाल ये भी खड़ा होता है कि 68 सालों के बाद नेहरू की जाति पर की गई भविष्यवाणी क्या सच साबित हुई है? दरअसल आपको बता दें, नीतीश सरकार ने कल बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की और इसके बाद इस पर सियासत तेज हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन पूरे देश में जाति जनगणना करने की वकालत कर रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज तो जाति के नाम पर सनातन का ही अपमान कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर जाति के नाम पर बांटने का पाप करने का आरोप लगा दिया है। तो क्या राजनीतिक रणनीतिकारों का कहना है कि आरजेडी और जेडीयू का चुनाव जीतने का ये आखिरी दाव है? इसी बीच 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होगी। इसी पर करेंगे आज बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद इस पर सियासत तेज हो चुकी है। सवाल है कि क्या इस तरह जाति के आंकड़े जारी कर बिहार को जातिवाद के चंगुल में फंसाने की साजिश है? क्या बिहार जैसे राज्य को जाति में बांटकर वोट के ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है? नीतीश सरकार के आंकड़े जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करारा हमला बोला और इंडिया अलायंस को जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। 1954 और 55 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जातिवाद बिहार को बर्बाद कर देगा। नेहरू ने ये एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कही। तब के अखबारों में ये खबर भी कई बार छपी, लेकिन आज 68 सालों के बाद कांग्रेस जातिवाद को सही बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग कर दी है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसीलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति है, जाति ही शाश्वत है। सनातन कुछ नहीं, सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे हैं, अब नहीं बना पाएंगे। सनातन सब हैं तो सबको बराबर हिस्सा दो, क्यों छुआछूत क्यों है? आंकड़े जारी करने के बाद सीएम नीतीश ने इस पर चर्चा के लिए खास बैठक बुलाई। नीतीश कुमार 9 दलों के नेताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं। जनगणना सामने आने के बाद आगे का रोड मैप कैसा होगा, साथ ही सभी वर्गों को कैसे इसका लाभ मिले, इस पर चर्चा की जाएगी। सबको लाभ मिले, किस तरह का लाभ मिलेगा? और इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियाँ गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं इनको समाज की बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। बीजेपी नीतीश सरकार के आंकड़ों को झूठे और फर्जी बता रही है, तो इंडिया गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के अलग ही सुर सुनाई दिए। बर्क ने कहा कि देश में चुनावी माहौल को देखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और सत्ता पाने के लिए जाति का खेल खेला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बिहार में जिस तरह से ये जातिगत सर्वे जारी किया गया, कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर ये बहुत अहम होगा। तो आने वाले वक्त में क्या बिहार से ये जातिगत सर्वे एक नई दिशा और दशा राजनीति की तय करेगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या मोदी को टक्कर देने के लिए एक तरह से वोट पर चोट करने की एक अलग तरह की रणनीति है, करेंगे चर्चा। और इसमें एक और खास बात भी आपको ऐड कर दूं, जिस तरह से खुद नेहरू खास तौर से इस जातिगत सर्वे या फिर जातिगत जनगणना के आधार पर राजनीति का विरोध करते रहे हैं, कई बार इसका उल्लेख भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये इंडिया अलायंस का ये रुख आखिर किस दिशा की तरफ जाएगा, चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास जो मेहमान है उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश पासवान जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, माधव आनंद है आरएलएसपी की तरफ से इस समय मेरे साथ में, प्रभात कुमार है कांग्रेस नेता इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अभिषेक झा है जेडीयू प्रवक्ता, और श्याम सुंदर शरण जी भी हमारे साथ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम की पार्टी की तरफ से मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभिषेक झा आप ही से, जेडीयू जो लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में रही, मुख्यमंत्री पार्टी गठबंधन किसी के भी साथ में हो, मुख्यमंत्री का चेहरा जेडीयू की तरफ से रहा, एक बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। ऐसे समय में 2024 के चुनाव की रणनीति और उसके पहले जातिगत जनगणना का ये सर्वे आखिर किस दिशा में लेकर जाएगा? क्या 2024 के लिए ये अहम दांव है नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी चुनाव के मद्देनजर चीजें नहीं की। महिला आरक्षण का ढोंग भारतीय जनता पार्टी के लोग बजा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभाली थी। सत्ता में आते के साथ अगले ही साल महिलाओं को यहाँ पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण दिया, नियोजित शिक्षकों में 35% आरक्षण दिया, बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में, और 33% सीटें आरक्षित हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाने के लिए, और माफ कीजिएगा 50% आरक्षण नियोजित शिक्षकों में भी मिला है। तो नीतीश कुमार जी चुनाव के मद्देनजर कोई चीज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी कमिटमेंट निभाते हैं, वादा नहीं कमिटमेंट, दोनों में बहुत अंतर है। और अभी मैं देख रहा था लगातार आपके चैनल पर सवाल के रूप में हेडलाइन और टैगलाइन चल रही थी कि भाई जाति की आग में धकेलने की कोशिश हो रही है। यहाँ बहुत सारे पार्टियों के नेता बैठे हैं, जरा सबसे पूछ लीजिए कि इसमें कौन सी ऐसी पार्टी है जो जातिगत जनगणना देश में हो उसके खिलाफ है, या बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है, जातीय गणना हुई है, उसके खिलाफ है। ये सवाल जो आप चला रहे हैं, ये सवाल किसका है? ये सवाल पॉलिटिकल पार्टियों का है, आम जनता का है, या आप मीडिया हाउसेस का है? इसको स्पष्ट कर दीजिए ताकि मैं बेहतर इसका जवाब दे पाऊं। अभिषेक झा जी, मैं बिल्कुल जवाब दे देती हूँ, क्योंकि जब कोई वोट डालता है तो वो अपने नेता को चुनता, किस आधार पर चुनेगा, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सवाल आपके भी मन में होगा, ये सवाल टीवी पे जो व्यक्ति देख रहा है उसके भी मन में होगा, और जाहिर सी बात है आपके ऑपोजिशन पार्टी में भी होगा। गुरु शरण पासवान जी, जरा अभिषेक झा जी के जवाब का सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की भी सियासत की एक तरह से रूपरेखा यही रहती है, सभी राजनीतिक दलों की होती है, तो अगर जेडीयू या फिर बिहार में अगर इस तरह से सर्वे हो गया तो फिर क्या आपत्ति है? नैना जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। नैना जी, हमारे बिहार में एक कहावत है कि जब बारात आ जाएगी तब हम कोहड़ा रोपेंगे और बारात के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ यही दिख रहा है, जब सर्वे का रिपोर्ट आ जाएगा तब हम भागीदारी देंगे, तब हम सशक्तिकरण करेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड, नैना जी, मैं खुली चुनौती के साथ कहता हूं, नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति और एक जाति की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार और एक जाति की पार्टी है। चिंता इन लोगों को करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, समावेशी। नाना जी, आपको भी पता है, देश के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी पहुंचती है, तो अब पहुंचती है। आज देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान लूनर स्पेस में पहुंचने वाला पहला ऐसा देश बना है। उस समय देश का ताकतवर प्रधानमंत्री किस समाज से आता है? अति पिछड़ा समाज से आता है। प्रश्न कमिटमेंट का है। बहुत सही कहा मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने जेडीयू से कि कमिटमेंट होना चाहिए। आपका क्या कमिटमेंट है? लालू जी का क्या कमिटमेंट है? कि हम रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा बेटा रहेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मेरा दूसरा बेटा रहेगा एनवायरमेंट मिनिस्टर, मेरी बेटी रहेगी मीसा भारती जो राज्यसभा जाएंगी, मेरी बीवी रहेगी वो विधान परिषद में जाएगी। आपका सामाजिक न्याय जो है आपके परिवार से शुरू होता है। नहीं, लेकिन गुरु शरण जी एक ये भी तो एक बात उनकी तरफ से कही गई, उनका ये भी कहना है कि अगर जातिगत ये पूरा सर्वे होगा तो उस आधार पर जो योजनाएं हैं उनको लाने की कोशिश होगी और उसका क्रियान्वयन होगा। लेकिन प्रभात कुमार जी मुझे एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार कई मर्तबा उन्होंने अलग अलग मंचों से इसका जिक्र किया, कई बार अखबारों की हेडलाइंस भी बनी, खासतौर से 1954-55 के दौरान उन्होंने जातिवाद को सबसे खास ये बताया कि जातिवाद बिहार को बर्बाद कर देगा, ये उनकी विचारधारा थी। तो क्या ये माना जाए कि अब उनकी विचारधारा को दरकिनार करते हुए कांग्रेस भी अब उस पंक्ति में आके खड़ी हो गई है कि बस जैसे भी कैसे भी करके बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है, भले ही जो विचारधारा है उससे समझौता करना लगे? देखिए, सर्वप्रथम मेरे सारे को पैनलिस्ट और आपको नमस्कार, राम राम। ये आपकी सोच हो सकती है, पंडित नेहरू की सोच तब भी, आज भी और आने वाले वक्त में। ये मेरी सोच नहीं, मेरी सोच नहीं प्रभात कुमार जी, मैं बता देती हूँ, ये मेरी सोच नहीं, मैं आपको तारीख के साथ बताती हूँ। सुनिए प्रभात जी, मेरी बात सुनिए, ये 27 जून 1971 का जिक्र कर रही हूँ, जब बाकायदा नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अगर हम सांप्रदायिक जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो उसके बाद में हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को कुचल देते हैं। एक आर्टिकल था, उस दौरान ये कहा गया जातिवाद बिहार को बर्बाद कर देगा। तो ये मेरी नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता थी, उन्होंने खुद जातिवाद का विरोध किया था। अब मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिएगा प्लीज। सर्वप्रथम हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इस देश की सामाजिक सच्चाई है जाति व्यवस्था। और दूसरी एक बात और सत्य है, इसके साथ ही जोड़ के बोलना चाहूंगा कि आज भी कहीं न कहीं से ग्रामीण इलाकों में असमानता की स्थिति है, वो आर्थिक आधार पे हो, व्यावहारिकता में हो, आप जानती हो, ये सत्य है। लेकिन मैं आज वहां नहीं जा रहा, आज मैं गुरु प्रकाश जी को सुन नहीं पाया और बहुत प्रखर, बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता है जी, वो ये बताएं कि क्या वो इसके पक्ष में है या विरोध में है। पहली बात, सीधा सा सवाल है मेरा। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था और वो कुछ पाप पुण्य की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी से मेरी विनती है कि एक बात मुझे स्पष्ट तौर पे समझाया जाए और इस देश को समझाया जाए। मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ और सारे पैनलिस्ट सुन रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था और मैंने आपको बाकायदा डेट के साथ बताया था, वही मैं अपने दर्शकों को भी दिखा देती हूँ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून को 1961 को मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसमें लिखा था जातिवाद को लेकर। उन्होंने कहा था अगर हम सांप्रदायिक जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो हम प्रतिभाशाली लोगों को, सक्षम लोगों को कुचल देते हैं, दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के बने रह जाते हैं। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि ये जानकर मुझे दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचार के आधार पर आरक्षण का ये व्यवसाय कितना आगे बढ़ गया और अब ये इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश इंडिया अलायंस विपक्षी गठबंधन नहीं कर रहा है। क्या करेंगे चर्चा? मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, बाकी के जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं चर्चा जारी रखूंगी, जल्द हाजिर होंगे। का स्वागत है। जिस तरह से बिहार में जातिगत सर्वे जारी किया गया, उन आंकड़ों के बाद में आने वाले वक्त की सियासत को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। 2024 को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं कि क्या ये नीतीश कुमार ने बहुत एक अहम दांव चला है 2024 की रणनीति को लेकर, चुनावों को लेकर। लगातार चर्चा जारी है। मेरे साथ में जो खास मेहमान है, एक बार फिर से आपको उनसे जल्दी से मिलवा देती हूँ। गुरु प्रकाश पासवान जी हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, माधव आनंद आरएलजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ में है, प्रभात कुमार जो है वो कांग्रेस नेता, अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता मेरे साथ में, श्याम सुंदर शरण जी हैं जो हमारे साथ में हम पार्टी से, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं। अगला सवाल मेरा माधव आनंद जी आपसे समझना चाह रही हूं कि आखिर इस तरह की सियासत के पीछे किस तरह की रणनीति नजर आती है, क्योंकि बार बार ये कहना नीतीश कुमार का कि बिहार को मैंने जो दिया वो अभी तक कोई नहीं दे सकता था, उनका ये कहना कि ये अपने आप में इसकी जरूरत थी। आपको वाकई में लग रहा है 2024 के लिए मोदी को टक्कर देना है, इसीलिए नेहरू की विचारधारा को भी त्याग चुकी है अब इंडिया अलायंस? नैना जी, पहली बात कि बिहार में जो जातिगत गणना का रिपोर्ट जारी किया गया उस पर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को शंका है, डाउट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट में भी जैसा मामला चला, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सरकार ने जल्दबाजी में यह कहा कि मेरा सारा रिपोर्ट जैसा तैयार है, सिर्फ पब्लिश करने की जरूरत है, तो 13 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में इतनी जल्दबाजी से जो काम किया गया, और सरकार अगर इस पे दावा करती है कि ये टेक्निकल डेटा है, हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं आशंका है और समस्त बिहार की जनता भी आशंकित है कि भाई ये जो डेटा एकत्रित किया गया है, ये डेटा कितना जैसो सही है और या नहीं सही है। बहरहाल अगर आपने आंकड़ा भी जारी किया तो जो बात हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें तमाम राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक विरोध को जैसे ताक पे रखते हुए सब लोगों ने एक स्वर से समर्थन किया था और बीजेपी के लोगों ने भी इसका समर्थन किया था। अब उसमें यह बात हुई थी कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े लोग हैं उसकी भी गणना होगी, लेकिन सरकार ने कल देखिए बड़ी चालाकी से कहिए या एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक के स्तर पे किस तरह का डेवलपमेंट हुआ वह आंकड़ा जारी नहीं हुआ, लेकिन जातिगत गणना यानी जाति की कितनी संख्या किस जाति की उसकी जैसो उसको जैसो पब्लिश कर दिया गया। तो सरकार की मंशा पे तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। और क्यों नहीं सरकार ने जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार का डेटा जैसे जारी किया उसके पीछे भी समझिए, अगर वो सरकार कल जारी करती तो आखिर 17-18 साल नीतीश जी का, 15 साल लालू यादव जी का, टोटल जैसे 33-34 साल में आखिर सरकार जो दावा करती है कि मैंने ओबीसी के लिए किया, एससी के लिए किया, एसटी के लिए किया, मैंने जितना काम किया वो किसी ने इतना काम ही नहीं किया, तो आखिर ये लोग पिछड़े कैसे रह गए? तो सवाल तो इस पे भी उठेगा। लेकिन इसका अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर सरकार कोशिश करेगी, जो आरजेडी का चाल चलन चरित्र है, मैं माननीय नीतीश कुमार जी तो जिस जगह पे फंसे हुए हैं, नीतीश जी की तो मजबूरी है, नीतीश जी की ऐसी मजबूरी है कि ना वहां से निकल सकते हैं, अब वहीं उनको रहना है। तो आरजेडी का जो चाल चलन चरित्र है, जो जातिगत जो उन्माद फैलाना चाहते हैं या अग्रो पिछड़ों की राजनीति करने के लिए हमेशा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो माधव आनंद जी ये भी जिस तरह से इंडिया अलायंस का एक तरह से नारा ही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या श्याम सुंदर शरण जी इसको इसी तरह से देखा जाए? बार बार ये बात कही जा रही है, हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना भी साध दिया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, और ये लोगों को जाति में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं मैडम, चंद्रमा पे पहुंच गए। अगर हम लोग जाति, पाति, धर्म, मजहब के आधार पे इस तरह की बातें करने लगे तो मुझे लगता है कि अब समाज और जो देश की जनता है विकास की बात करना चाहती है। चाहे आदरणीय मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, वो जाति, ठीक है, यही मैं जवाब श्याम सुंदर शरण जी से लेना चाह रही हूँ। श्याम सुंदर शरण जी, देखिये नैना जी, इस तरह का जिस तरह से इन्होंने कल रिपोर्ट जारी किया, ये तो उनकी पूरी पोल खुल गई, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत सारी बातें जो टेक्निकल तौर पर हैं वो माधव आनंद जी ने किया, गुरु प्रकाश जी ने किया। मैं ठोस रूप से बिहार की जो परिस्थितियां उसकी बात कर देता हूँ कि संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ये बताएं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सचिव में, सेक्रेटरी में ओबीसी की संख्या कम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जो मंत्रिमंडल उसमें कितने एक जाति के लोग हैं, और 60% लगभग बजट का हिस्सा एक जाति के हैंडल कर रहा है। और उसके बाद दूसरी बात की जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी कब इस बात की घोषणा कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो कोई ईबीसी होगा या फिर महादलित या दलित परिवार से होगा, क्योंकि संख्या उनकी है, वोट किसी का, राज किसी का, ये कैसे चलेगा? आप अगर केवल लोगों को उलझा करके आपस में एक जातीय आधार पर लोगों में द्वंद्व फैला करके सड़कों पर, जैसे इन्होंने 90 के दशक में किया था, जिस तरह से नरसंहारों को और कई चीजें इन्होंने करवाने का काम किया, आज वही तीनों लोग शासन में जो 1947 से आज तक राज कर रहे हैं बिहार में। तो भाई ये लोग आरोप किस पर लगा रहे हैं? उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, उसी लालू प्रसाद यादव के गोद में खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी। आरोप ये किस पर लगा रहे हैं नहीं, लेकिन श्याम सुंदर शरण जी, हालांकि प्रभात कुमार जी अब हमारे साथ चर्चा में नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल जो है वो बार बार वही है। मैं उनके चाहूंगी जो अलायंस साथी हैं अभिषेक झा जी, उनसे जरूर इसका जवाब लूं। अभिषेक जी, एक तरफ विचारधारा की बात होती है, दूसरी तरफ आपने भी यही बात कही, अगर जातिगत तमाम चीजों को लेकर देखा जाए तो एक तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी हो या फिर केंद्र सरकार में भी हमने देखा कि इस तरह से अलग अलग पदों पर वो तमाम जिम्मेदारियां दी गई। खुद अगर हम राष्ट्रपति को देखें तो उसी तरह की भूमिका में वो नजर आए और वहां से ही लेकर आए। तो क्या इसी को ही टक्कर देने के लिए अब ये नया फॉर्मूला 2024 के लिए निकालने की कोशिश की गई है इंडिया अलायंस की? अभिषेक, आपके टीवी चैनल पर जो भी दल एनडीए में शामिल है उनके प्रवक्ताओं के बयान से उनका राजनीतिक दोहरा चरित्र साफ तौर पर दिख रहा है। अरे एक तरफ तो ये लोग हिमायती बनते थे, ये सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सभी लोग यहाँ सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर इन लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में सदन के अंदर और सदन के बाहर बातें कही। दूसरा, केंद्र की सरकार की जो नीति रही है वो क्या रही है? पिछड़ा दलित महादलित विरोधी रही है, नहीं तो बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना को बंद नहीं करते, पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों की, अति पिछड़ा समाज के लोगों की छात्रवृत्ति को बंद नहीं करते। जब इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है तब ये उनकी जाति बताते हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का मसला हो या इससे पहले रामनाथ कोविंद जी का मसला हो। प्रधानमंत्री जी खुद को पिछड़ा बताते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसकी मार्केटिंग में लग जाती है, लेकिन जब जातीय गणना बिहार में होती है और उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है और डाटा सार्वजनिक किया जाता है तो उनके पेट में दर्द होना शुरू होता है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पर कि जरा इनसे पूछिए कि ये लोग जातीय गणना के पक्ष में है कि नहीं है। और दूसरा, चुनौती है सुन लीजिए और कहिए, बताइए सचमुच कि अगर ये आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो इससे जातीय विद्वेष फैलेगा बिहार में। जब तक हमारे साथ होते हैं तब तक पक्ष में नहीं, लेकिन जिस तरह से अभिषेक जी जिस तरह से ये जो तमाम बातें कही गई, जो दिन चुना गया, श्याम सुंदर जी जवाब देना चाह रहे हैं, पहले उनका जवाब ले लेती हूँ फिर सवाल करूंगी। श्याम जी, मैं तो इनसे इतना पूछ रहा हूँ कि बिहार में किसी एकल पद पर कोई दलित, कोई अति पिछड़ा का बेटा है क्या? जल जंगल जमीन पहाड़ जितना सारा चीज है एक जाति को नीतीश कुमार जी ने सौंप दिया। एक भी एकल पद पर कोई दलित का बेटा, कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं है। इनके लिए केवल एक परिवार का बेटा, एक जाति का लोग जो है वो हावी रहेगा। बात ये लंबी लंबी करेंगे। दूसरी बात, आप बिहार में नाना जी किसी से पूछ लीजिए, केवल मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की जाति के अलावा कोई भी जाति इस जातीय जनगणना को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि बिहार में लोग जो है कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर अपनी रोजी रोजगार की तलाश में रहते हैं। लेकिन श्याम सुंदर शरण जी, ये जो सर्वे जारी करने के बाद में इंडिया अलायंस के दूसरे कई नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है तो वहां पर भी इस तरह से सर्वे कराया जाएगा। तो क्या जबरदस्ती थोपने की कोशिश है? प्रभात कुमार जी अब एक बार फिर से जुड़े मेरे साथ। प्रभात जी, मेरा सवाल बार बार यही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, वो एक साथ सबको साधने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसको उसका तोड़ एक तरह से निकाला है? वोट पर चोट करने की कोशिश है ये जातिगत सर्वे। सबसे पहले तो इस नारे को आप पलट के बात कीजिए, ये ना सबका साथ की बात नहीं करते, ये मित्रों का साथ और बाकी सबका विनाश, ये इनकी धारणा है मूल। और आपने बार बार पंडित नेहरू को कोट किया जी, तो 1961 के अंदर जो देश की परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को ध्यान में रख के हम तीसरे युद्ध के मुहाने पे थे, दुर्भिक्ष का माहौल भी था बीच में और सामाजिक अंग्रेजों के जाने के बाद जो समाज विखंडित हुआ था उसे भी जोड़ने की जरूरत थी उस वक्त में। तो वक्त के साथ चीजें बदलती है, आज वक्त की विचारधारा भी बदल गई। जनगणना, मुझे एक बात बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जातिवाद जो है बिहार को बर्बाद कर देगा। अरे उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में भी बोला था, एक बार बोल दो आप। ये जो सांप्रदायिकता अभी जो इस देश में ये माहौल बना हुआ है, हर तरफ नफरत का माहौल पैदा इन्होंने कर रखा है। ठीक है, इसी बीच